close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. पैकिंग हो रहा है? हाँ, अच्छा वजन हो रहा है फिलहाल. अच्छा कितना आया? पता कितना है ये? 12 किलो और 8 बचा है. 8 किलो. भगवान. तो कल हमारा सुबह फ्लाइट है लगभग 12 बजे, और हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से लगभग 8 बजे निकल जाएंगे. तो मिलते हैं कल सुबह. तो सुबह हो गया है और हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ. तो इस सफ़र में हमारे साथ दो खास लोग हैं, और वो है काजल एंड उत्कर्ष. सो हम लोग आके पहुंच गए एयरपोर्ट पे. अब चलते हैं अंदर, कुछ ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे फ्लाइट पे, जो कि 12 बजे है. जल्दी जल्दी यहाँ पे बैग चेक इन कर लेते हैं. सो हमारा बैग चेक इन हो गया है, और हम लोग अभी चल रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ. Having fun? Yeah. तो फ्लाइट को अभी 1 घंटा और बाकी है, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. अभी फ्लाइट में बैठे हैं, और यहाँ पे खाना भी आ गया है. तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट किए थे, और यहाँ पे थोड़ा कुछ खा लेते हैं. तो खाने में है राइस, पनीर करी, गोभी, रोटी एंड पेस्ट्री. हम लोग अभी थोड़ी ही देर में नीचे उतरने वाले हैं, और आप ये विंडो से देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है. सो फाइनली वी हैव लैंडेड इन एयरपोर्ट, एंड हमको लगभग 1.5 घंटा लगा यहाँ पहुँचने में बेंगलोर से. अभी जल्दी जल्दी हमको जाके इमिग्रेशन ख़त्म करना है, और पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लगेगा. तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पे. और पहुँच गए फाइनली. यस, आफ्टर अ टू नॉट टू आवर्स, प्रोबब्ली 1.5 आवर्स. या 1.5. वहाँ पे बस हमारा होटल बुकिंग चेक हुआ, एंड रिटर्न टिकट चेक किए, फिर हमको जाने दिए, और हमारा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया. अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे लॉगेज के लिए, फिर उसको लेके निकलेंगे फेरी पॉइंट. और यहाँ से फ्री सिम मिल सकता है आपको, यहाँ से सिम लेके फिर बाद में आप रिचार्ज कर सकते हैं. और यहाँ से ही आगे जाके हमको लेफ्ट जाना है, फिर उस तरफ है फेरी पॉइंट. उसके अंदर होगा. हाँ, एक्चुअली जो पानी का कलर दिख रहा था ना वीडियो में, एक्चुअली वो है. इन योर नेकेड आईज यू कैन सी दैट. वाओ, इट्स क्रेजी. सो ये हमारा बोट आ गया है, और हम लोग अभी निकल रहे हैं मापुसी की तरफ. ये हमको पड़ा $25 पर पर्सन, और ये लगभग हमको 25 to 30 मिनट्स में मापुसी पहुंचा देगा. पकड़ो इसको. तो हम लोग अभी निकल चुके हैं मापुसी की तरफ, एंड ये माले सिटी है. यहाँ पे थोड़ा स्टॉप है, यहाँ से कुछ पैसेंजर को लेके फिर ये निकलेगा माफूसी की तरफ. मैं इस ट्रिप में आने से पहले कुछ ब्लॉग्स देख रहा था, और लोग बोल रहे थे कि जब ये पानी से होके जाएगा तो बहुत बम्पी होगा, और आपको कुछ अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. Nice console. Nice ride.
दो। तो हम लोग आके पहुंच गए माफूसी में, और ये जो होटल है रेहंदी विला, इन्होंने हमारे लिए गाड़ी भेजी है और हमारा लॉगेज ये पहले ले जाएंगे, फिर हम चल के होटल तक पहुंच जाएंगे। और बेब्स और यहाँ पे साइड में काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स आउटलेट हैं, तो हम लोग जब रूम जाएंगे फ्रेश होके फिर यहाँ आएंगे और कल के लिए जो एक्टिविटीज हमको करना है वो हम यहाँ से पता करेंगे। घर बन रहा है अभी भी। हाँ, यहाँ पे लोकल्स भी रहते होंगे ना। कैसा लग रहा है होटल? चलो फाइनली हियर एट द रेहंदी विला। या या लेट्स गो। अशो ओके टेक योर टाइम। स्विमिंग पूल इज हियर। सो लेट्स सी आवर रूम जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एंड हियर इज द वॉशरूम। या इट्स गुड। टीवी है एंड दिस इज द सिटिंग एरिया आउटसाइड। कॉफी पीने के लिए शाम को यहाँ पे फ्रिज भी है। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम अभी रूम से फ्रेश होके निकल गए थोड़ा बीच घूमने के लिए, और कैमरा भी साथ ले आए, कुछ फोटो खींचेंगे यहाँ पे। पार्टी। और भाई कैसा लग रहा है? आज तो बिल्कुल स्पेयर डे है क्योंकि आज ऐसा कुछ है नहीं, और 5:30 ऑलरेडी बज गया है, और जो भी सारा एक्टिविटीज़ है वो कल के लिए है। तो अभी तो बीच में घूमेंगे, फोटो खींचेंगे बस। Utkarsh, looking awesome. Yo bro, thank you. You too, you too. Awesome. Wow. या तो हमारा डिस्टेंस सही था ना यहाँ आने का? काफी ज्यादा सही था। हाँ यार, दिन में थोड़ी गर्मी हो रही थी। गर्मी तो भाई वो तो होगा कहीं चीजें गर्मी। जो मौसम है ना। हाँ, ऑसम। और गर्ल्स एंजॉयिंग एंजॉयिंग या चलो बता नहीं सकता कि कैसा लग रहा है ये देख के। मतलब जैसे देखते थे वीडियो में पानी का कलर, वाकई में वैसा ही है। पता नहीं, देखो यहाँ पे ये कलर है और उस साइड पे अलग ही कलर, पता नहीं कैसे हो रहा है ये। एक्चुअली हम जिस टाइम पे आज माफूसी पे पहुँचे वो सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि हम जब माफूसी में पहुँचे तो वो दिन था, हम होटल गए फ्रेश हुए, फिर जब बाहर निकले तब भी दिन था, हम थोड़ा बीच घूम लिए और फोटो खींच लिए, और अभी बज गया है 8:00 और हम अभी ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे हमको इंडियन खाना मिले और जाके हम खा सके, और अब खा के फिर रेस्ट करेंगे और कल सुबह निकलेंगे और बाकी सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। इस आइलैंड पे लगभग हर होटल के सामने ऐसे डेकोरेटेड सिटिंग स्पेसेस हैं जहाँ पे आप बैठ के डिनर कर सकते हैं, लेकिन हम तो कुछ इंडियन ढूंढ रहे हैं। सो डिनर करने से पहले हम सोचे कि कल के लिए जो एक्टिविटीज़ है वो अभी से बुक कर लेते हैं। सो बहुत ढूंढने के बाद हमको एक अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट मिला, और यहाँ पे हर होटल के सामने उनके मेन्यू लगे हुए हैं, और हमने हर जगह चेक किया, हमको जो चाहिए था इंडियन खाना वो नहीं मिल रहा था, तो फाइनली यहाँ पे आके मिला है। सो व्हाट यू हैव ऑर्डर्ड देन? वी हैव ऑर्डर्ड वन कढ़ाई वेज, वन पनीर बटर मसाला, ओके, वन तड़का दाल, ओके, एंड देन वी हैव ऑर्डर्ड सम रोटी,
संभाला बाल पराठा एंड जीरा राइस. ओके वी हैव ऑर्डर्ड सम जीरा राइस. ओके जीरा राइस. ओके सो लेट्स सी हाउ इट गोस. या लेट्स सी. या लेट्स सी. हम सब का डिनर कंप्लीट हो गया है और मैं सच बोलूं मालदीव्स में आके इतना अच्छा इंडियन खाना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बहुत ही अच्छा डिनर था. इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. और हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे वाटर एक्टिविटीज़ में. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़.